welcome back to our channel, our crazy reactions. If you're new to this channel, hi, my name is Vidanshu. And my name is Sandeep. So, जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है भारत जीता इंग्लैंड को फिर पीटा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ टेस्ट हाइलाइट्स। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, इंडिया जीत चुका है ये टेस्ट सीरीज, और यहां तक मुझे पता है कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है, जो कि जून में खेला जाएगा। और कल इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो फाइनल टेस्ट मैच था, मतलब फोर्थ टेस्ट मैच था, वो इंडिया ने जीत लिया है। मैंने पूरा मैच तो नहीं देखा, क्योंकि ऑब्वियसली टेस्ट मैच थोड़ा से बोरिंग हो जाता है, और हाइलाइट्स भी नहीं देखी मैंने, बस ये देखा था परसों जो सेकंड डे का थोड़ा देखा था मैंने कि ऋषभ पंत ने सेंचुरी बनाई और वॉशिंगटन सुंदर 50 रन पे खेल रहे थे। कल भी मैंने देखा कि वॉशिंगटन सुंदर की सेंचुरी नहीं बन पाई, वो नॉट आउट रहे 96 पर। पर पूरा क्या है वो इसमें देखते हैं, उससे पहले वैसे वो बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। हाँ, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। भाई मैंने मान लिया कि माइकल वॉन सही तो कहते, बीच में दिक्कत है। जब इंग्लैंडी बॉलिंग करते हैं तो लगता है ये पिच बैटिंग पिच है, और जब इंग्लैंडी बैटिंग करते हैं तो ये बॉलिंग पिच लगने लगती है। है कि नहीं भाई साहब? नमस्कार, जय हिंद, मैं बहुआ। नमस्ते, मैं हूँ रौनक, और आप देख रहे हैं इंडिया इंग्लैंड स्पेशल रन तंत्र। और माइकल वॉन से किसी ने बचपन में कहा था कि जिस चीज में तुम अच्छे हो उसे कभी फ्री में मत करना। उसके बाद से माइकल वॉन भिंडी डोना डोने के भी 50 रुपए लेते हैं, लेकिन अफसोस कि इतने ही पैसे तो ओवर एक्टिंग में कट भी जाते, मतलब बकायती से उनकी कमाई है नील बटे सन्नाटा। वैसे उनकी बकायती बताते हुए हमने इंस्टाग्राम पे एक रील बनाई है, आरजे डोनक इंस्टा प्रोफाइल पर, वो रील आपका इंतजार कर रही है। अपने भाई का प्रोफाइल वेरीफाइड है, ब्लू टिक है, मिल जाएगा, ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। जाओ वो रील देखो और कड़क तरीके से उसे दबा के शेयर करो। अब मैच की बात करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको तीसरे दिन के खेल के बारे में बताऊं, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। साल 2021 अभी शुरू हुआ था, इंडिया की आधी टीम ऑस्ट्रेलिया के होटल में थी और बाकी आधी अस्पताल में। इंडिया के इतने खिलाड़ी चोटिल हो चुके थे कि साथ में गए नेट बॉलर्स भी डेब्यू कर रहे थे। जिस हिसाब से चीजें चल रही थी, लग रहा था कि कहीं रवि शास्त्री को संन्यास छोड़कर वापस न खेलना पड़ जाए। ऐसे में इंडिया के साथ रिजर्व प्लेयर के तौर पर गए वॉशिंगटन सुंदर को टीम मैनेजमेंट की तरफ से एक न्यू ईयर का मैसेज आया। उसमें लिखा था कि तैयार हो जाओ, अगले खेले जाने वाले 2 टेस्ट से कम एक मैच में तो तुम खेलने ही वाले हो। मुझे ये नहीं पता ये मैसेज टीम मैनेजमेंट के किस सदस्य ने भेजा था, लेकिन मुझे ये पता है कि इस साल किसी को भी भेजा गया ये सबसे शानदार मैसेज है भाई साहब। क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने ब्रिस्बेन में अपना डेब्यू करके जो तहलका मचाया वो तो सिर्फ ट्रेलर था, उसके बाद फिल्म तो उन्होंने आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बनाई है, और ये फिल्म विवेक ओबराय वाली नरेंद्र मोदी से तो बहुत ही बड़ी। कल के 89 रन की लीड लेने के बाद हमें लगा था कि टोटल 100 की भी लीड मिल गई तो काफी है, लेकिन सुंदर भाई के प्लान अलग थे। उनने लीड को 160 तक पहुंचा दिया और अपने स्कोर को 96 तक। जब ऐसा लग रहा था कि सुंदर अपना डेब्यू शतक लगा देंगे, तभी बेन स्टोक्स ने बेड़ा गर्क कर दिया भाई साहब। मतलब इंग्लैंडियों से सुंदर तो आउट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बाकी के 3 विकेट ले लिए और सुंदर भैया 96 पे अटके रह गए। लंच से पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंडियों ने 10 मिनट के खेल में 5 रन बना लिए। लंच में शायद इंडियन खिलाड़ियों ने स्टार्टर्स और मेन कोर्स कर लिया होगा, क्योंकि मीठे में वो जीत चखना चाहते थे। हमारे दो स्पिनर्स अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने फिर से ऐसा जाल बुना कि इंग्लैंड वाले एक एक करके उसमें फंसते ही चले गए। जो रूट और पोप को छोड़कर कोई और बल्लेबाज डबल डिजिट भी पूरा नहीं कर पाया। और कलेजे को सुकून तब आया जब बेन स्टोक्स कोहली को कैच देकर आउट हुआ, और बेन स्टोक्स फैन क्लब के चीफ सेक्रेटरी बहुआ का मान बढ़ाया भाई साहब। आते आते इंग्लैंड की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन में बैठकर माइकल वॉन को फोन मिला रही थी कि दद्दा तुम्हारी वजह से बहुत बेइज्जती हुई है, गजब बेइज्जती, अब ज्यादा बकैती मत पेलना। उनके बने थे सिर्फ 91 और इंडिया के स्कोर से अभी भी 69 रन वो पीछे थे, और मैं माई 11 सर्कल ऐप पर बहुत आगे था। जी हाँ, माई 11 सर्कल ऐप पे मेरी टीम बड़ा शानदार खेल रही है। आपसे मैं कह रहा हूँ आप भी इस ऐप को डाउनलोड करो, अपनी टीम बनाओ, चैंपियंस की टीम को हराओ, ट्रिपल कैश सीधा अपने अकाउंट में पाओ। डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाओ, वहां पे एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अगर आप माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करते तो आपको बोनस भी मिल सकता है। फेसबुक वालों भी प्लीज, जहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है ना ऊपर इसका टाइटल वीडियो का, वहां पे लिंक दिया, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप नाउ एंड यू विल से
वाओ आगे बढ़ते हैं। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। चाय के बाद इस टेस्ट मैच के आखिरी सेशन में वही बचा था जो पिछले टेस्ट मैच के आखिरी सेशन में बचा था, यानी इंग्लिश में फॉर्मेलिटी और हिंदी में खाना पूर्ति, और इंग्लैंड वालों ने ये काम भी फुर्ती में कर दिया। मतलब इंग्लैंडियों ने बिल्कुल फाइट करने की कोशिश भी नहीं की और एकदम से ऐसे सरेंडर कर दिया जैसे 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने किया था। अगर इस बेइज्जती के बाद माइकल वॉन ने अपने पुराने ट्वीट डिलीट नहीं किए तो बेसडम ऑफ द ईयर का एक अवार्ड इनके लिए तो बनता है भाई साहब। क्यों बेन स्टोक्स भैया है कि नहीं? पहले टेस्ट मैच में शक्तिमान टीम इंग्लैंड अगले तीन टेस्ट मैचों में गंगाधर बन के रह गई, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आखिरी टेस्ट मैच पारी और 25 रनों से जीतकर इंडिया ने न सिर्फ ये सीरीज 3-1 से जीती है बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी अपनी एंट्री न्यूजीलैंडियों के साथ फाइनल करा ली है। ये फाइनल लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 18 से 22 जून खेला जाएगा जिस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। लेकिन अभी तो इंग्लैंडियों को और बेन स्टोक्स को और जलील होना है भाई साहब। 12 मार्च से 5 मैचों की T20 सीरीज शुरू हो रही है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करना और बताना कि कहां से आप देख रहे हो इस वीडियो को भी। साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। कैसी रही बेन स्टोक्स जीत गए बेन स्टोक्स का बड़ा मजा लेते हैं ये। और बात की जाए जो ये इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज थी, यार बड़ा मजा आया देख के। दो मैच वहां पे हुए अहमदाबाद में, वो काफी इंटरेस्टिंग थे। उसके बाद अब T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है 12 तारीख से, तो वो भी हम देखेंगे क्योंकि T20 में ज्यादा मजा आता है देखने का। और वैसे जो अभी टेस्ट मैच हो रहे हैं वो T20 से कम नहीं हो रहे क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो रहे हैं इस वक्त। पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के काफी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हुए, अब ये इंग्लैंड के साथ। और वैसे वाशिंगटन सुंदर की बात की जाए तो काफी अच्छा खेल दिखाया उन्होंने। और अब टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार मेरे ख्याल से पहले होती थी या नहीं पता, जब से मैं देखने लगा हूँ क्रिकेट तब से तो टेस्ट चैंपियनशिप ये पहली बार हो रही है और उसके फाइनल में इंडिया पहुंच चुकी है न्यूजीलैंड के साथ। ये मुझे नहीं पता था पर अभी इन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड के साथ। तो आप कुछ कहना चाहोगे? बस मुझे यही अच्छा लग रहा है कि इसका वो टाइटल कितना अच्छा है, भारत जीता इंग्लैंड को फिर पीटा। और बउआ काफी अच्छे इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस होती है उनकी, जिस तरीके से वो बोलते हैं और मजे लेते हैं ना वो दूसरी टीम्स के, वो बड़ा मजा आता है, मजे लेते हैं सीरियसली। हाँ, और हमें तो काफी पसंद आई ये वीडियो। आपको भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।